हाँ जी, 8th का एग्जामिनेशन हो गया, अब 9th क्लास में आ चुके हो, और सबसे पहला सवाल ये होता है कि सर जी सिलेबस क्या होता है क्लास 9th का, है ना? तो भाई आज मैं आपको सीबीएसई क्लास 9th का सिलेबस और साथ ही साथ डिलीटेड टॉपिक्स और साथ ही साथ कि भाई आपके सिलेबस में मार्क्स वेटेज कितना है हर चैप्टर का, ये बताने वाला हूं आज। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, 5 से 10 मिनट, इसके अंदर आपको पूरी पूरी क्लैरिटी दे दूंगा, ठीक है? तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आप क्लास 9 के पूरे सिलेबस और चीजों को लेकर एकदम सॉर्टेड हो, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बस एक छोटा सा यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि एक कॉशन है, वो कॉशन क्या है कि भाई ये वीडियो हम बना रहे हैं 2024 के बच्चों के लिए जो इस साल क्लास 9th में जा रहे हैं और 2025 में जाकर अपना 9th एग्जामिनेशन वो देंगे मार्च में, है ना? लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो 2024-25 के लिए सीबीएसई ने अब तक कोई लेटेस्ट सिलेबस नहीं निकाला हुआ है, लेकिन होपफुली एंड ऑलमोस्ट 99% कंफर्म सिलेबस और मार्क्स वाइज वेटेज सेम होने वाली है इस साल भी। अगर नहीं होता है, इट्स गोइंग टू बी एनी डिफरेंट, देन देयर विल बी अ न्यू वीडियो कमिंग टू यू, सो डोंट वरी अबाउट इट। मैं इमीडिएटली जैसे सिलेबस रिलीज होती है मैं आपके एक नया वीडियो बना दूंगा, बट यू गेट द आइडिया, है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि साइंस के, हम साइंस की बात करने वाले गाइस, साइंस का सिलेबस समझने वाले हैं पूरा पूरा। एंड या यू माइट नॉट नो मी, सो माय नेम इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चल रही है मेरे बच्चों की जिंदगी? 8th के एग्जामिनेशन अच्छे गए, सुपर। अब 9th में फोड़ते हैं, सिलेबस समझ लो, पढ़ाई बाद में कर लेना, है ना? क्योंकि अभी तो वेकेशन है, वेकेशन में चिल मारना बहुत जरूरी है, चिल नहीं मारोगे तो फिर पढ़ाई मजा नहीं आता, है ना? होती है ना बात कि भाई जब अंधेरा सबसे ज्यादा होता है उसके बाद जो रोशनी आती है उसमें मजा होता है, जब आप भूखे बहुत देर तक रहते हो और उसके बाद कुछ भी खाने को मिल जाए उसमें मजा होता है, है ना? वैसे ही जब अच्छे से खेल कूद लो उसके बाद पढ़ने में मजा होता है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, साइंस की बात करते हैं। साइंस में अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, तो ये रहा आपके सामने आपका केमिस्ट्री का सिलेबस जो आपका यूनिट नंबर 1 है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का जो यूनिट है उसमें ये आपके चैप्टर्स हैं और ये टॉपिक्स हैं जो आपको समझने हैं, आपकी स्क्रीन के सामने ये रहे। चलिए होपफुली आपने सारी चीजें नोट डाउन कर ली, आपने देख लिया है, या तो आप इस जो अभी मैंने स्क्रीनशॉट दिखाई थी सामने इसका प्रिंट आउट ले लेना, कोई इशू नहीं, तो फोटो ले लेना फोन से, कोई इशू नहीं, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके फिजिक्स के सिलेबस की, जो होता है आपका मोशन, वर्क एंड फोर्स, ये रहा आपके सामने सिलेबस। बाय द वे माइंड रखिएगा, सारे टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में है, हाँ डिलीटेड वाले नहीं है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। हाँ भाई आई अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं बायोलॉजी की, बायो का 2 पार्ट डिवाइडेड है इसमें, 2 यूनिट्स है बायो के, एक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, दूसरा आपका ऑफ कोर्स ही बात है फूड प्रोडक्शन का। तो फूड प्रोडक्शन और लिविंग ऑर्गेनिजम्स दोनों यूनिट के टॉपिक्स ये रहे आपके सामने। तो चलिए अब बात करते हैं भाई इन सारे चैप्टर्स के मार्क्स वेटेज कितनी है। आपको अभी से पता होना चाहिए कि भाई सीबीएसई जो है ना, क्लास 9th हो या क्लास 10th हो, क्लास 11th हो या क्लास 12th हो, चैप्टर वाइज मार्क्स वेटेज नहीं देता है, वो सिर्फ यूनिट वाइज मार्क्स वेटेज देता है कि भाई पूरे केमिस्ट्री, पूरे फिजिक्स और पूरे बायो के ये मार्क्स होंगे, इसके हिसाब से पढ़ लो, वो कंफर्म्ड है, वो सीबीएसई के ऑफिशियल सिलेबस में आपको दिखी जाएगा जब वो आ जाता है, ठीक है? तो फिलहाल के लिए आपका मार्क्स वाइज वेटेज मैं यूनिट वाइज बताने वाला हूं, लेकिन फिर भी अगर आपको मार्क्स वाइज वेटेज चाहिए होगा चैप्टर बाय चैप्टर, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो जरूर बनाऊंगा, तो देखना जरूर, मिस आउट मत कर देना, ठीक है? तो फॉर दैट गाइस मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ और टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन, ऑल्सो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल, क्योंकि भाई ये एक सिंगल वीडियो जो आपको पूरी क्लैरिटी दे रहा है क्लास 9 साइंस को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, मुद्दे पर आते हैं। तो अगर हम बात करेंगे आपके पहला जो यूनिट है वो है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के जो 4 चैप्टर्स है इन 4 चैप्टर्स से आपको आने चाहिए 25 मार्क्स के सवाल, सीबीएसई हेंस प्रूव्ड लिखा हुआ थप्पा लगा हुआ है सीबीएसई का, 25 मार्क्स, 25 मार्क्स के सवाल आपको आने चाहिए केमिस्ट्री से। फिर बात करते हैं आपके फिजिक्स का, फिजिक्स में अगर आप देखोगे आपके टोटल मार्क्स, टोटल चैप्टर 5 है, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी एंड पावर एंड साउंड, इन 5 चैप्टर्स को डिवाइड करके 27 मार्क्स से सवाल आने चाहिए, 27 मार्क्स। टोटल कितने हो गए भाई अभी, 25 प्लस 27 तो हो गए आपके 52 मार्क्स, बचे कितने, 28, है ना? लेकिन ये जो 28 मार्क्स है उसमें डिवाइडेड है 2 यूनिट, जैसे मैंने कहा था बायोलॉजी में 2 यूनिट आते हैं, तो आपका जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूनिट है उसमें डेडिकेट किए गए हैं 22 मार्क्स को।
22 मार्क्स। उसके बाद जो आपका फूड प्रोडक्शन वाला सेकंड यूनिट है बायो का, उसमें 6 मार्क्स होते हैं। सो 22 प्लस 6 28 मार्क्स हो जाते हैं। तो इतना तो समझ लीजिए कि भाई फूड प्रोडक्शन से 6 मार्क के सवाल तो आने हैं आपके फाइनल एग्जामिनेशन में, इतना आप समझ लो। ठीक है, तो ये हो गया आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार टोटल काउंट कर लेते हैं, आपके बायो का हो गया 28, फिजिक्स का हो गया 27 और आपका केमिस्ट्री का हो गया 25, कुल मिलाकर आपके होते हैं 80 मार्क्स। हाँ बेटा, 100 नहीं, 80 मार्क्स। बाकी जो 20 मार्क्स है वो आपके इंटरनल असेसमेंट से होंगे, जैसे भी आपके स्कूल के टीचर्स आपको देना चाहते हैं, अटेंडेंस के ऊपर, होमवर्क्स के ऊपर, असाइनमेंट्स के ऊपर, प्रोजेक्ट्स के ऊपर, स्कूल में डिसिप्लिन की वजह से पानी का बॉटल लाते हो नहीं लाते हो, गर्लफ्रेंड है या नहीं है, जिस भी बेसिस पर आपके स्कूल टीचर्स आपको देते होंगे मार्क्स, उस बेसिस में आपको मिल जाएंगे 20। बट इतना मैं आपको कहूंगा, किसी भी टीचर को नाराज मत करना 9th और 10th ग्रेड में, 20 मार्क्स मुश्किल से मिलते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, डिलीटेड सिलेबस बता दूं आपके सामने, है ना। तो ये रहा आपके सामने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के डिलीटेड टॉपिक्स जो पहले थे अब नहीं है, पेश किया जाए। So that's all for today guys. So I really hope always enjoyed it. So class 9 में हमारे इस amazing channel Vedant, तो class 9 पे बने रहिएगा। इसमें आपको chapter by chapter, हर एक topic by topic, question by question, हर चीज होगी। और amazing teachers जिन्होंने भाई class 9 क्या, 10th क्या, 11th क्या, 12th क्या, JEE क्या, NEET क्या, Olympiad क्या, सब में टॉपर्स निकाले हुए हैं सिर्फ और सिर्फ YouTube से। तो मिस आउट मत करिएगा। जैसे मैंने कहा, अच्छा लगा वीडियो तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। अगर साइंस नहीं बोला ना, सच बता रहा हूँ। प्लीज़।